वेलकम टू आवर चैनल लॉक कक्षा आज हम सेक्शन 34 भारतीय दंड संहिता 1860 का डिस्कस करने जा रहे हैं जिन लोगों ने मेरे आईपीसी की वीडियोस नहीं देखी है मैंने आईपीसी के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जाके वहाँ चेक करें वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें एज मच एज पॉसिबल सेक्शन थर्टी सेक्शन चौंतीस हमें क्या बताता है कोई भी एक्ट करना जो कई पर्सनस के द्वारा हो जिसमें उन पर्सनस की क्या हो कॉमन इंटेंशन हो मीन्स सबके इंटेंशन क्या हो सेम हो

यहां वो एक्ट नहीं है यहां जो एक्ट का बिहेवियर होना चाहिए वो क्रिमिनल बिहेवियर होना चाहिए ठीक है सेवरल पर्सन का होता है दो से दो से ज्यादा को हम सेवरल पर्सन में करते हैं कॉमन इंटेंशन मतलब हम सबकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए ठीक अब इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम पांच जने ए पर्सन को किल करना चाहते हैं हमने ए पर्सन को किल कर दिया अब क्या हुआ पांच पर्सन सेवरल पर्सन कॉमन इंटेंशन किल किसे करना चाहते हैं ए पर्सन को ठीक अब जो यहाँ जो क्रिमिनल बिहेवियर हो गया हमारा एक्ट डन हो गया क्रिमिनल बिहेवियर मतलब किल हो गया ठीक पांच पर्सन है किल करने की अब यहाँ एक और चीज है जो हमारे आगे डेफिनेशन में लिख ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय द हिम अलोन मीन्स पांच पर्सन थे ए पर्सन का किल करना चाहते थे हमने सेक्शन थर्टी फोर समझ लिया अब इस सेक्शन थर्टी फोर में एक और चीज़ है पाँच पर्सन है एक पर्सन कार लेके खड़ा है एक ने इंस्ट्रूमेंट मतलब लाइक का गन या लाइक लाइका रॉड उसे किल करने के लिए या लाइका नाइफ अरेंज करा एक पर्सन गेट पे खड़ा है एक पर्सन ने उस पर्सन के हाथ पकड़े अगर एक पर्सन ने उसे किल करा मीन्स जो पांचों पर्सन के पार्टिसिपेशन से वो एक्ट डन हुआ है और पांचों ही पर्सन लाइबल होंगे किलिंग के लिए ये नहीं कि मैं तो कार लेके खड़ा था घर के बाहर यहाँ तो गेट पर खड़ा था नहीं पांचों पर्सन पे सेम लाइबिलिटी अराइज होगी कि एक पर्सन ने करा हो बट लाइबिलिटी सेम किलिंग की सब पे ही अराइज होगी ये सेक्शन हमें चौतीस कहता है ठीक अब इसके इनग्रीडियंट्स हम पढ़ते हैं वन बाय वन क्रिमिनल एक्ट मैं आपको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं और इन्हें सेपरेटली मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में ठीक है क्रिमिनल एक्ट क्या होता है क्रिमिनल एक्ट मतलब वो एक्ट जिसका जो बिहेवियर हो क्रिमिनल हो मीन्स लाइक like किसी को हार्म पहुंचाना मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अभी दिया था कि ऐसा ना हो कि हम चार मिलकर दोस्त पार्टी देना चाह रहे हैं उस एक्ट को हम मानेंगे कॉमन इंटेंशन में सेक्शन चौतीस में नहीं क्रिमिनल एक्ट डन कर द्वारा जिसमें कॉमन इंटेंशन हो ठीक अब इसमें आता है डन बाय सेवरल पर्सन सेवरल पर्सन का मैंने आपको बता दिया कि हमारे दो से ज्यादा दोसंस को हम कंसिडर करते हैं सेवरल पर्सन में इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल मतलब जो पर्सन थे उन सबकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए मतलब सेम होनी चाहिए ठीक पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट मतलब सारे ही पार्टिसिपेट करें एक कार खड़ा हो एक ने अरेंज करा एक ने रोड मारी एक ने हाथ पकड़े मतलब सारे ही जो पर्सन हैं सेवर पर्सन ये नहीं है बेसिकली उसी प्लेस पे खड़े हो मींस जहाँ क्राइम हो रहा हो लाइक like, यहाँ मैंने इस रूम में लाइक like, इस रूम में मैंने किसी पर्सन को किल करा तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट पांच के पाँच यहीं हो नहीं कोई गेट पर खड़ा है कोई बाहर खड़ा है वो सारे सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट में करा है उन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और वो सारे ही लाइब लोगे अब वन बाय वन इन्हें डीपली डिस्कस करते हैं कम टू द नेक्स्ट स्लाइड क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल एक्ट यूज इन सेक्शन थर्टी फोर डू नॉट रिफर्ज एन इंडिविजुअल एक्ट वेयर एज अ क्राइम इज कमिटेड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन जो यहां क्रिमिनल एक्ट है वो कंसिडर हुआ है कि एक पर्सन के द्वारा एक इंडिविजुअल के द्वारा उस एक्ट को क्रिमिनल एक्ट नहीं कहा जा रहा है यहां कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब सेवरल पर्सन के द्वारा जो एक्ट करा गया वहां सेक्शन चौतीस में जो अंडर सेक्शन चौतीस में यूज हो रहा है क्रिमिनल एक्ट वो सेवरल पर्सन के लिए यूज हो रहा है मतलब सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स ने वो एक्ट डन करा है क्रिमिनल ठीक है अब इसमें आते हैं

सेवर like पर्सन दो या दो से ज्यादा पर्सन हम किस में कंसिडर करते हैं सैफरल पर्सन में कंसिडर करते हैं तो एक्ट एक इंडिविजुअल के दौरान ना हो दो से दो से ज्यादा पर्सन कंसिडर हो ठीक इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ मीन्स जो पर्पज हो जो मोटिव हो लाइक जो इनकी इंटेंशन हो कॉमन होनी चाहिए जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था कि चार या पांच जन पाँच जने जन मिल के क्या चाहते हैं वो एक पर्सन को किल करना चाहते हैं जो उनकी सबकी इंटेंशन क्या है कॉमन इंटेंशन है ठीक है यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लेते हैं The expression coordination means the unity of the purpose or pre-arranged plan. It has been a various meaning such as follows. Like जो सारे persons हो उनका pre-plan हो और वो सारे क्या हो commonly intend हो मतलब सबकी जो intention हो same हो. Come to the next slide. Participation मैंने participation आपको बताया था कि सारे जो persons हैं वो क्या करें participate करें अपने-अपने role perform करें means कोई जो car driver है तो car का perform करें कोई road instrument like a इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर रहा है गन या वो 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 एक्ट परफॉर्म करें मतलब ये नहीं कि सारे ही मारे चाकू लेके उस पर्सन को नहीं सारे अपने अपने रोल को पार्टिसिपेट करें उस क्रिमिनल एक्ट में, में पार्टिसिपेट करें और परफॉर्म करें कमिट करें उस एक्ट को ठीक है और यहाँ पे एक लाइन लिख रखी थी इट्स इनफ ही इज द प्रेजेंट ऑफ वेयर बी समय बाय मीन्स ये नहीं है कि वही प्रेजेंट हो नियर बाय भी प्रेजेंट हो सकते हैं मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कोई गेट पे खड़ा है किलिंग इस रूम में है और वो गेट पे खड़ा है तो नियर बाय प्रेजेंट है उस जहां कमिट हो रहा है क्राइम वहां नियर बाय प्रेजेंट है ठीक है तो ये नहीं है कि सेम जगह पे ही सारे प्रेजेंट हो मतलब नियर बाय भी खड़ा कोई कार लेके खड़ा है या कोई गेट पे खड़ा है लाई का भी पर्सन आ जाए तो मैं बता दूं कोई हाथ पकड़ रहा है कोई किल कर रहा है तो सारे अपना अपना रोल पार्टिसिपेट करें ठीक है थीके? जो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस सुप्रीम कोर्ट में वो आया था डिसन द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इज इज द एसेंस ऑफ द सेक्शन दैट द पर्सन मस्ट भी फिजिकली प्रेजेंट एट द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम मीन्स जो एक्ट जहाँ डन हो रहा है वहां सारे फिजिकल अपेयर होगी मीन्स नियर बाई हो सकते हैं ये नहीं है कि एक घर ही बैठा है एक कह रहा है ठीक है भाई तुम करी कर दो मैं तुम्हारे साथ नहीं फिजिकल भी अपेयर हूं उन्हें हम पार्टिसिपेंट्स ऑफ वो कहेंगे क्राइम ठीक है ये सारा सेक्शन चौतीस था जो मैंने आपको डिस्कस करा होप सो so, आपको सेक्शन थर्टी फोर समझ आया हो कोई डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम आराइज हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में जो में कॉन्ट्रैक्ट में टॉट में मुझे डीएम करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोबाल डॉट टू टू में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सेपरेट वीडियोस चाहिए हो लाइक कि सर आप जो रिस्पोडेंस की पहले वीडियोस बना दो तो मुझे डीएम करें मुझे टेलीग्राम करें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं अगर कोई भी इशू आता है लाइक जूम मीटिंग कंडक्ट करवाएँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जूम मीटिंग कंडक्ट करवाता हूँ लाइक कोई भी इशू है कोई चैप्टर है या कोई टॉपिक है सर कि हमारे ग्रुप में आप कंसर्न करोगे अपने फ्रेंड सर्कल सर्किले हाँ ये टॉपिक समझ आ रहे सर से समझ लेते हैं तो मुझे डी एम करो मैं आपकी जूम क्लास कंडक्ट करवाऊँगा होपफुली आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो समझ आ रहा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल थैंक यू